तथा जीवनगढ़ में एक हैवानियत की मिसाल ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक विवाहिता को कई दिनों तक बाथरूम में उसे गर्म तवे से जलाया गया और ऊपर से घंटों गीजर के गर्म पानी के नीचे बैठाकर उसको तड़पाया गया। ससुराल पक्ष ने विवाहिता को न सिर्फ कई दिनों तक केवल भूखा प्यासा रखा बल्कि बाथरूम में बंद कर प्रताड़ित भी किया उसको, और विरोध किया गया तो गर्म तवे से जलाया गया, यहाँ तक कि उसे खाने में जूठन भी दी गई। महिला का फोन बंद होने से उसकी माँ को शक हुआ और वह ससुराल पहुंची। बेटी का हाल देखा तो वह सन्न रह गई। महिला आयोग ने केस का संज्ञान लिया और साथ ही टिहरी पुलिस ने आरोपित सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का देहरादून स्थित कुरु नेशनल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है। मैंने रात को भी मिलाई, 1 बजे रात 2 बजे रात मिलाई। मैंने घर पे फोन नहीं था लगनो बिल्कुल भी ना था। वो करी कि मैं नौने फोन के लेन था लगनो मेरे बहुत सारे लोटी यार। इन पिताजी भी बोली कि इन पिताजी तब 9 महीना बेटे ना बारी खराब ना तीन नहीं पढ़िया कर। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटेंगे।